खुर्जा में प्राचीन मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोवर्धन महाराज जी की भव्य यात्रा निकाली गई। प्राचीन मंदिर में 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया जाता है। खुर्जा में गोवर्धन महाराज जी की यात्रा एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। ये यात्रा विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा और गोवर्धन पूजा के लिए मनाई जाती है। लोग इस अवसर पर भगवान को विभिन्न भोग अर्पित करते हैं, राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं और सामाजिक एकता का प्रदर्शन करते हैं। यात्रा के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर भक्ति गीत गाते हैं। कई जगहों पर विशेष झांकियां सजाई जाती हैं, जो इस यात्रा को और भी भव्य बनाती हैं। लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस अवसर पर अपनी मनोकामना भी करते हैं। आप देख रहे थे UMS न्यूज चैनल खुर्जा। गोवर्धन मंदिर हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शुरू से ही अन्नकूट का प्रसाद का वितरण किया जाता है और पूरे शहर से सभी लोग जुड़े हुए हैं। 51 फीट की यहाँ पर परिक्रमा प्रतिमा बनाई जाती है। सभी लोग आकर यहाँ परिक्रमा देते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास से इसको बनाया जाता है। ये गोवर्धन मंदिर हमारा प्राचीन समय से स्थापित है और लगभग इस मंदिर को 40 से 50 वर्ष हो चुके हैं। प्रतिवर्ष हमारे नगर में भ्रमण यात्रा इसकी श्री गोवर्धन महाराज की होती है और विभिन्न और 51 फीट ऊंचे गोबर की प्रतिमा का अनावरण यहाँ किया जाता है और पूरे खुर्जा भर के वासी यहाँ पर आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद देकर के उसका आशीर्वाद श्री गोवर्धन महाराज के प्राप्त करते हैं। तो ऐसा हमारे इस प्राचीन मंदिर श्री गोवर्धन महाराज की परंपरा और भव्यता है।